It's 6:11 right now. I'm sitting in the Vishakhapatnam train. I'm currently at Lokmanya Tilak terminus. अभी यहाँ से मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ जाने के लिए विशाखापट्टनम. आप लोगों को तो पता है ये ट्रिप कहाँ जा, क्वालालंपुर. नॉट जस्ट क्वालालंपुर, पिनांग, क्वालालंपुर, दो तीन जगह पे जा रहे हैं मलेशिया में. तो ये ट्रिप आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं ट्रेन में क्या कर रहा हूँ, विशाखापट्टनम क्यों जा रहा हूँ. क्योंकि एयर एशिया मुंबई में नहीं है और मैं ये बजट ट्रिप प्लान किया है और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे मतलब सबसे सस्ती फ़्लाइट इंडिया से हम लोग को मिल रही थी मुझे इस वक्त विशाखापट्टनम से क्वालालंपुर के लिए. बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, मेरी रिटर्न जर्नी जो है क्वालालंपुर की सिर्फ 7,000 रुपीज़ में हो रही है, और भी कम हो सकती है. मैं उसके ट्रिक आपको मेरे एक दूसरे वीडियो में, स्पेशली एक वीडियो बना रहा हूँ कैसे चीपेस्ट फ्लाइट बुक करनी है. यहाँ पे बहुत आवाज़ है, ये अनाउंसमेंट्स होते ही रहेगी. मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर के बाद, फिर और सारा डिटेल देता हूँ इस ट्रिप के बारे में. So it is 10:36 AM now and we are on the verge of reaching Vishakhapatnam. It is around 20 kilometers away. हाँ, तो प्लान ये है कि यहाँ से स्टेशन उतर के मैंने ओयो बुक किया है. इट इज़ समवेयर इन जगदम्बा जंक्शन. सो ओला बुक करेंगे. देर इज़ अ न्यू थिंग हेयर, मतलब विच इज़ नॉट इन मुंबई, ओला बाइक. सो वील ट्राई द ओला बाइक थिंग एंड कीप यू अपडेटेड. मेरे साथ यहाँ पे गोविंद जी हैं. ही हेल्प मी अ लॉट अबाउट विशाखापट्टनम का, हाउ टू रीच, वेयर टू गो, व्हाट ऑल द प्लेसेस. हाय. सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग हम लोग कैसे कहाँ जाएँ अभी. तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कैसे ये प्लेसेस हैं, दिस आर नाइस प्लेसेस टू गो एंड ऑल. कल से हम लोग साथ में ही है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट विशाखापट्टनम. सो यू स्टे हियर, राइट? ही स्टेज हियर. सो फाइनली स्टेशन तो आ गया है. लेट्स सी अभी कैसे बाहर निकले यहाँ से. और मुझे ओला भी बुक करनी है, ओला की बाइक, जैसे मैंने बोला हम लोग नहीं ट्राई करते हैं. पहले स्टेशन से बाहर तो निकले. ऐसे गोविंद ने मुझे बोला कि मेन गेट से बेटर रहेगा. वेरी ब्यूटीफुल विशाखापट्टनम स्टेशन. ऐसे स्टेशन लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कुछ महल टाइप है. वैसे मैं 6 साल पहले भी यहाँ पे आया था, बट उससे अभी काफ़ी डिफरेंस हो चुका है, बहुत कुछ डेवलप हो चुका है यहाँ पे. Your name? So he's come to pick me up. It's a Ola bike. And we are going to my hotel now.
through OYO. It has very good reviews on OYO. Let's see. Finally check-in कर लिया यहाँ पे OYO में. Initially price सुन के मैं थोड़ा सा skeptic था because सिर्फ 400 rupees में ये room मुझे मिला है through OYO. लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा है, मेरे expectation से बहुत ही ज़्यादा better है. मैं आपको room tour दिखाता हूँ इसके बाद. छोटा है लेकिन काफ़ी clean है. And सबसे best part, इस hotel का जो owner है राहुल, he is also a travel blogger. सो वो 6 महीने ये होटल चलाता है, बाकी 6 महीने ट्रैवल करता है. सो वो एक बहुत ही अच्छा लगता है जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं. जब मैंने ये ट्रिप इनिशियली स्टार्ट किया था, आई वाज नॉट श्योर, पता नहीं कैसे होगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ. लेकिन आने के बाद मुझे जितने लोग मिले हैं, सारे ही लोग काफ़ी हेल्पफुल मिले हैं. काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया है इस चीज़ में, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं. इवन जो ओला बाइक वाला था, उसने मुझे बोला कि आपको जब एयरपोर्ट जाना है आप मुझे बुला लेना, मैं आपको फ्री में छोड़ दूंगा, शॉर्टकट से छोड़ दूंगा. So that's the benefits of being a YouTuber. Finally, मैं ready हो गया हूँ. It's almost 1:15, 1:20 right now. तो चलते हैं बाहर विशाखापट्टनम, देखते हैं थोड़ा सा कुछ खाते हैं. ढूंढ रहा हूँ जियो का गैलरी. वो जो राहुल था वहाँ, OYO का जो मैनेजर था मेरे होटल का, उसने बोला यहाँ पे पीछे के लेन में सब मोबाइल के स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा. फिर मेरा एक्चुअली जियो का इंटरनेशनल रोमिंग अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है, तो वही मुझे अभी एक्टिवेट करवाना है. उसके लिए आई एम गोइंग, लेट्स सी अभी कहाँ पे है. मुझे किसी ने बताया यहाँ पे RTC कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मुझे जियो का गैलरी मिल जाएगा. सो आई एम राइट नाउ टेकन दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट. So you can add up SankiTraveler, SANKI. So ये लोग मुझे पूछ रहे थे क्या चैनल है मेरा, तो मैं भी इनको मेरा इंस्टाग्राम का डिटेल्स दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन फॉलो मी. गौरी शंकर एंड अनिल, सो दिस इज गौरी शंकर इज अनिल. ये लोग मुझे बता रहे हैं RTC कॉम्प्लेक्स कैसे जाते हैं. तो एक चीज़ ऐसे मुझे पता चली जो मुझे डाउट था, मुझे लग रहा था पता नहीं पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगा ऑन पब्लिक ब्लॉगिंग करने. मलेशिया का तो कोई टेंशन नहीं, इंडिया में कैसे रिएक्ट करेगा. बट नो, पब्लिक आर यूज टू एवरीबडी इज आस्किंग मी विच इज़ माई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे क्या है आपका, अपडेट्स मुझे देते हैं, सब लोग पूछ रहे हैं. सो एवरीबडी नोज ना, अभी ब्लॉगिंग इट्स गुड दैट इंडिया में भी ब्लॉगिंग इतना कॉमन हो रहा है. टर्न्स आउट उस बंदे ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, बिकॉज RTC कॉम्प्लेक्स जो है वो तो यहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से बेसिकली बसेस मिलती हैं, कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस मिलती है. तो आई डोंट नो उसने मुझे यहाँ क्यों भेजा. मैंने उसको मोबाइल स्टोर बोला, शायद उसको पता नहीं चला. तो एक नया अपने को सीख मिला है कि कभी भी कुछ भी कहीं जाना हो तो एक बंदे से मत पूछो, कम से कम 2 या 3 बंदों से पूछो. अब मैंने गूगल पे डाला, जो मैंने पहले ही कर लेना चाहिए था. तो एक जियो डिजिटल लाइफ करके एक सेंटर दिखा रहा है जो यहाँ से ऑलमोस्ट एक 10-15 मिनट के वॉक पे है. सो चलते हैं एक बार, देखते हैं वहाँ पे है या नहीं. रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी पता नहीं, अभी इस जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ, मैं 2 या 3 रेस्टोरेंट्स चेक किए हैं यहाँ पर साउथ इंडियन फूड ही नहीं है किसी के पास. सारे रेस्टोरेंट सिर्फ पंजाबी फूड दे रहे हैं. मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं विशाखापट्टनम में हूँ या फिर कहीं और. मतलब सब रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ पंजाबी फूड है. इससे तो अच्छा मैं जिस एरिया में रुका हूँ, जो होटल मेरी जहाँ पे है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्मॉल सेंटर्स थे जहाँ मुझे प्रॉपर ऑथेंटिक फूड मिलेगा. एनीवेज पहले ये जियो गैलरी देख लेते हैं हम लोग. जियो की गैलरी में तो गया था बट दे सेड उनको कुछ पता नहीं है. सो अभी फाइनली एक रेस्टोरेंट यहीं पे पास में थी, यहाँ पे मील मिलता है साउथ इंडियन. सो भूख भी लगी थी, बोले पहले खा लेते फिर जियो का काम खत्म करते.
place. I had the food here. मैंने तो meals लिया था यहाँ इनका veg meals. बहुत अच्छा था सब कुछ. Everything was very tasty. And आप owner है क्या मैम? You are the owner of the place? नहीं, I'm not. अच्छा आप ना तीन. Okay okay. So ये है आपका नाम? साकिर खान जी है. यहाँ पे मैनेज करते हैं ये सब और आंटी जी मैनेज करते हैं सब कुछ. एंड बहुत अच्छा प्लेस है ये एरिया. क्या बोलते हैं? रामनगर. तो आप कभी रामनगर में आएंगे तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं. जस्ट राइट नेक्स्ट टू द जियो गैलरी. सो प्लेस इज ईजी टू फाइंड. जियो गैलरी भी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो ये प्लेस मिल जाएगा. इवनिंग में वापस आएंगे कुछ और ट्राई करेंगे. That Ola bike thing. So he's dropping me to the airport. This is superb. The Ola bike thing. I hope ये Mumbai में भी जल्दी start हो जाए यार. Mumbai के traffic में तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने को.